हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, जर्नल अवेयरनेस की क्लास टू करने वाले हैं, जो हमारी बुक थी थिन टाइम की, तो उसकी सेकंड क्लास हम करने वाले हैं। और जो आपकी प्रैक्टिस सेट है उसकी जर्नल अवेयरनेस थोड़ी अलग है, तो वो वाली बुक अलग है, ये वाली अलग है। ठीक है, बढ़ते हम स्लाइड की ओर। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। देखिए, बोला गया है पहला, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशेवर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ पेशेवर फॉट बिटवीन राजा जयपाल एंड मोहम्मद गजनी। तो 1001 में ये लड़ा गया था, और ये आया हुआ है DSSB पार्ट 2 शिफ्ट 1 में आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन ही है ये, हाल ही का। तो पेशेवर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है। तो किस जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच। उसके बाद किस वर्ष में लड़ा गया, तो 1001 में ये लड़ा गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस भारतीय राजा के बीच में लड़ा गया था। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड विच इंडियन किंग। तो ये पूछा गया है, तराइन का युद्ध किस किस किन किन योद्धाओं के बीच में लड़ा गया था। तो एक तो मोहम्मद गौरी थे, और जो भारतीय राजा है वो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। 2022 में आया ये भी शिफ्ट 1 में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने डैश में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया। तो ये सन पूछ रहा है, संधि हुई होंगी। मोहम्मद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक ऑन इंडियन मोनार्की डिफीटेड जयपाल इन 1001 एनो डोमिनी 1001 ईस्वी में किया गया था। ये 2014 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, पूछा गया है खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था। विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली इमीडिएटली आफ्टर द खिलजी डायनेस्टी। यानी खिलजी वंश के ठीक बाद किस राजवंश का शासन आया, तो तुगलक वंश का शासन आया खिलजी वंश के। ये दो बार आ चुका है क्वेश्चन, देखिए एक शिफ्ट 1 में ही, एक बार 7 तारीख को, एक बार 20 तारीख को। ठीक है, 22 में ही। तो खिलजी वंश के ठीक बाद कौन सा राजवंश आया, तुगलक वंश आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की है। तो नेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। तो दिल्ली के उस सुल्तान का नाम पूछ रहा है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदल कर क्या कर दी, दिल्ली से कहाँ लेकर गया, वो देवगिरी में लेकर गया। तो राइट जो उसका राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया, ये देवगिरी में लेकर गई, मोहम्मद बिन तुगलक। 2019 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। तो अलाउद्दीन के द ग्रेट पोइट ऑनर्ड द रॉयल कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन। तो राइट आंसर है इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या है इसका राइट आंसर है, 2014 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। तो ये क्वेश्चन तो कई पेपरों में भी आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है ये, लेकिन और भी कई CGL और इनमें भी आ चुका है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी, रजिया सुल्तान जो थी इसकी पहली महिला मुस्लिम शासक थी। ये जो आंसर है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर सीधे फर्स्ट में दे दिया गया है। तो रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये 2022 का ही क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है। जो गोल गुंबद है भारत में वो कहाँ स्थित है, द फेमस गोल गुंबद इज लोकेटेड इन इंडिया। कहाँ पर है इंडिया में, बीजापुर में। बीजापुर में क्या है, गोल गुंबद स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। विच सूफी संत दरगाह इज इन अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इसका क्या है, राइट आंसर है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हुई थी,
मृत्यु हुई थी? इन विच ईयर डेड औरंगजेब डाई? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट में पूछा गया है किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो सबसे पहले किसने करी थी? बाबर ने करी थी। तो कौन सी सन थी भाई? 1526 ईस्वी में करी थी। ठीक है, इन विच ईयर डिड बाबर एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया? 1526 इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? तो द पीस ट्रीटी बिटवीन राणा अमर सिंह एंड जहांगीर वॉज साइंड इन दिस ईयर। तो जो राजा राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच एक शांति संधि हुई थी उसकी वर्ष पूछ रहा है। तो किस वर्ष में हुई थी? 1615 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई थी? राणा अमर सिंह, एक तो अमर सिंह है और कौन है? जहांगीर। अमर सिंह और कौन है? जहांगीर। अमर सिंह और जहांगीर के बीच में एक शांति संधि हुई और वो किस वर्ष में हुई? 1615 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया है मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? तो जारिन कलम कहा जाता है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ गोल्डन पेन गिव टू कैलीग्राफ्स इन द मुगल कोर्ट कॉल्ड जारिन कलम? TGT में आया हुआ है, 2018 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट में पूछा गया पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी जो है बीच में हुई थी इन दोनों के। बिटवीन हुम वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? किस किस के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई? तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी इसका क्या है राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है मुगल काल में चित्रकारी किसके शासन काल में अपने शिखर पर थी? मुगल काल में अनेक राजा हुए थे लेकिन ये पूछ रहा है शिखर पर किसके पे थी चित्रकारी? तो जहांगीर जो थे, ड्यूरिंग हुज रीजन पेंटिंग वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? तो जहांगीर जो थे इसके वो क्या थे राइट आंसर थे। जहांगीर के समय जो चित्रकारी थी मुगल काल में वो अपने शिखर पर थी। उसके बाद दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां ने ये करवाया था। विच मुगल रूलर हैड बिल्ड द वर्ल्ड फेमस रेड फोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली? शाहजहां इसका क्या है राइट आंसर है। दो बार आ गया ये, 2014 में भी आ गया, 15 में भी आ गया ये। अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? जब भी हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो उसका जो उसने एक धर्म चलाया था दीन ए इलाही, उसके बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो दीन ए इलाही नाम का जो धर्म था वो अकबर ने चलाया था। व्हाट वॉज द नेम ऑफ रिलीजन एस्टेब्लिश बाय अकबर? दीन ए इलाही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? बाय हुम वॉज जामा मस्जिद बिल्ड इन दिल्ली? तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद ताजमहल भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। देखिए पीछे भी एक क्वेश्चन आया था लाल रेड फोर्ट जो है वो भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद जो जामा मस्जिद बनवाई है वो भी किसने बनवाई है? शाहजहां ने बनवाई है। उसके बाद जो ताजमहल है वो भी वो तो सब जानते ही होंगे आप लोग, शाहजहां ने बनवाया। ये भी लेकिन आ गया है 2014 में क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा गया शाहजहां के चार पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था? जो हमारे चार वेद हैं उनमें से एक अथर्ववेद है, तो शाहजहां के पुत्र ने अनुवाद करवाया था और किस पुत्र का नाम पूछ रहा है? तो दारा शिकोह इसका क्या है राइट आंसर है। हु अमंग द फोर सोन्स ऑफ शाहजहां गॉट द अथर्व ट्रांसलेटेड, अथर्ववेद ट्रांसलेटेड? तो अथर्ववेद जो ट्रांसलेट करवाया था वो किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था ये। और किसका पुत्र था ये? शाहजहां के चार पुत्र में से एक था ये। 2014 का ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य जब अंत हुआ तो अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ये द्वितीय होगा, ये 11 नहीं है, द्वितीय है। ठीक है, से द्वितीय कर लेना। बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो मुगल शासक का अंतिम अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद जब ये अंग्रेज आ गए थे भारत पर तब ये लास्ट था, ये बहादुर शाह द्वितीय। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया? बहादुर शाह द्वितीय।
तो मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा, वेन डिड द बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस बिटवीन मुगल एंड राजपूत? तो 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में क्या हुआ? मुगल और राजपूतों के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। ये भी 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बोला गया है, जहांपनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जहांपनाह विच इज कॉल्ड द फोर्थ मिडाइवल सिटी ऑफ दिल्ली वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। इसका क्या है? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था जहांपनाह, जिसे क्या कहा जाता है? दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर। ये भी याद रख लीजिएगा, चौथा मध्यकालीन नगर किसे कहा जाता है? जहांपनाह को। और किसने स्थापित किया इसे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये क्या है? एक नगर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा जो होती थी किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अकबर के द्वारा जो है ये मनसबदारी प्रथा लागू की गई थी। बाय होम वॉज द मनसबदारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड? अकबर। इसका क्या है? राइट आंसर है। 2015 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद है, बीबी का मकबरा भारत में स्थित है, तो कहाँ, जगह पूछ रहा है कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? तो इन विच ईयर शेर खान डिफिटेड हुमायूं इन चौसा, चौसा का युद्ध में हराया गया था? तो 1539, 1539 ईस्वी में हराया गया था किसने? शेर खान ने हुमायूं को। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को बिना करे बिना नहीं जाइएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।